बहुत बुरी तरह कुटे भाई सब ठीक पीछे आ जाओ केड़ा पिंड है की सारा घटनाक्रम वापरिया पूरा विस्तार का दसो। मेरा नाम वरिंदर सिंह है जी, मैं चमकौर साहब इलाके का रहना ना जी। तो असी परसों के दरबार साहब अपने दर्शन मेले करना हुए थे, तो अज अपने दमदमी टकसाल अजनाले बिच अपना हो सीगा जी, संतां दा बरसी समागम सीगा जी। तो असी सोचा भी चलो उत्थे भी असी अपना हाजरी लवाइए जरूर, असी अगे भी आते जाते रहने साल बाद डेढ़ साल सारी संप्रदावान में जाने जी, आप जिते अपने संतां महापुरशां दी इकना बरसी समागम होंदा जी। तो उदों मेरा मसला अमृतपाल सिंह दे नाल ते उहनां दे जथे के सिंघां नाल चलता सीगा जी। असी इन्हां नूं थोड़ा सच दसण की कोशिश की सीगी, जो साडे कोल जिहड़ियां असी इन्हां ते लाई सी अपने फेसबुक ते जो भी गल्लां पाईआं सीगीआं जी वह पूरी तथ्य के आधार पर पाई सी। उन्हां 7 तरीक नूं असी जी उत्थे लाइव हो गए सीगे जी गुरद्वारा गढ़ी साहब चमकौर साहब जी 7 फरवरी नूं जी। तो उहदे विच जो जो असी गल्लां कहीआं सी इन्हां दे भले वास्ते कहीआं सीगीआं वी भाई गल्लां, मतलब इन्हां दे जथे विच जिहड़े सिंघ सीगे इक दो जी भी वो खराबी करते थे, बाणा पा के गलत हरकत करते थे जी। तो जो भी अपना धियां भैन की इज्जत की गल कर लीए जी, है ना भी असं उन्होंने बारे इन्हों जागरूक कर गए थे भी इन्होंने जथे तो दूर कर दो जी। तो उल्टा पता नहीं इन्हों मेरा सच कहना जी नहीं कोई ना, महाराज की हजूरी में अरदास बेनती करके मुकरे हुए सिंह जी इन्हों के नाल जी वो धियां भैन की गल सी जी। चलो मैं नाम जनतक नहीं करना चाहता, धियां भैन सब दिन सांझियां होंगे जी। तो असं इन्हों कहते थे भी जोड़ा बंदा महाराज की हजूरी अरदास बेनती करके मुकर गया जी भी वह बंदे का थोड़े जथे च रहना कोई सही नहीं है। बिक्रमजीत सिंह नाम से उस बाई जी का जोड़ा नाँ सगा, उस तो बाद इन्होंने यानी फिर जब 5 नवंबर में सिंघा वाला घेरा भी पिया जी, आप उ भी इन्हों पूरा विचर हैं जी। कोई इन्हों आप शुरू तो विरोधी नहीं रही जी कहते भी आप अमृतपाल सिंह भी आप कोई शुरू तो अपने सरकारी है या विरोधी है क्या, पर जो हूँ अपने यदि हरकत देखी जो मेरे नाल वापर है जी, जिमें 3 बंद ने आके मैं धोखे बाणा पाया होगा गुरु का, तो अमृत छकया हुआ जी अपना, तो मैं गलों के लासे च दे के मैं 2 गड्डिया अगवाह करके लेके गए कुटमार। असं अजनाले सेवा करते जी भांडे की, अजनाले दमदमी टकसाल वो वैसे ही गल्ला कर लग गए। पहले तो उन्होंने 4 बारी माड़ा अमृतपाल में आपे कहता जी भी अमृतपाल माड़ा ये नहंगा सिंह बारे गलत बोलता है, ये इदा गलत बोलता। मैं चलो भी उन्होंने गलत गल आ, मैं यही नहीं पता भी ये उन्होंने विरोधी हैं जमैती हैं जी, है ना उन्होंने इदा गलों का घेरा जहा पा लिया जी मेरे से। तो बाद चो मैं जो भी पता लगे जो इन्होंने भी गड्डिया लिया के जी, तो मैं अगवाह कर लिया एक जरा गुर भाई का प्यार हों बे का भी आप बाणे वाले सिंह भरोसा कर सकते जी, वो मेरा इन्होंने भरोसा चकता जी किसी हद तक भी आप हरेक बाणे वाले बंद भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने मैं फोटो नहीं पछाण सकता जी, वो CCTV कैमरे से फोटो आ भी गई इन्हों दी जी। तो उत्थे जाके जी तू वीडियो यह कह दे भी तेरे विरोधी तेरा साथ दिने जी, मैं बार बार कही गया मैं भाई मेरी फेसबुक चेक कर लो मैसेंजर चेक कर लो भी मेरा विरोधी कोई साथ दे ही नहीं रहा, मैं ना साथ किसी का लवा जी, क्योंकि साथ की लोड़ उन्होंने होंगी है जोड़ा बंदा झूठा हो गया जी भी जी घटनावान मेरे नाले वापरियाँ मैं वह चीज़ का आपे गवाए जी, मेरे को प्रूफ पे हैं। वो भाई साहब इन्होंने जब पता लग गया मेरे नाल के सिंह भी 1.5-2 घंटे हो गए भी सिंह का फोन स्विच ऑफ आ रहा जी। फिर इन्होंने भाई अमरीक सिंह जनाला जी ने बेनती की भी अच्छा सिंह उरे जी अपने सेवा करने वास्ते लेके आए हुए थे जी भी अगे भी सिंह आता जी, असं सारिया संप्रदावान जाने जी। तो फिर उन्होंने फिर इन्होंने अपने तौर पर पहलकदमी की जी भी हाँ भी साढ़े सिंह आया सेवा करने वास्ते महापुरशों की बरसी श्रद्धालु है जी अपने भी असी जो अपने श्रद्धालु की हिफाजत करी तो कहदी करी जी। तो झूठ मैं कोई बोलिया नहीं सर जी, मैं अज भी कहना जी इन्हें मैंने 35 जन ने कुट लिया, मेरी वीडियो बना ली भी माफ़ी मंग लो बहुत बुरे तरीके मां भैन दी गाला कढ़िया जी फेक खत, हाँ नहीं तो इन्होंने मैंने जानो मारना सर जी, बार बार कहते भी तेरे वर्ग के गंद नूं तां असीं खत्म करना ही करना जी। तो जो चक्कन भी आए हैं तो इन्होंने बार बार धमकी दी भी तुम तो असं टकसाल के पिछते भी चक के लेके जाना जी ऐ करना, तो 3-4 इन्हों को वैपन सके जी अपने 12 बोर के 315 जी। तो गड्डी 35 सारे मेरा पर गला घुटता जी पूरा जी, मेरे ऐन
एक बार साह जो रोकने वाले करते इन्होंने हाँ ढाई तीन घंटे बाद इन्हों पता इन्हों पता नहीं जी भी गल हुई की है जी तो जो पता लगे फिर पता लगे जी भी हाँ जी भी आह गल इन्होंने होर सिंह ने जोड़े अपने नाल प्यार करने वाले उन्होंने फोन किया भी वरिंदर सिंह बारे पहला पता करो ये कोई इदा पहले इन्होंने यह शक सी भी सरकारी बंदा जी मैं मेरे पिंड जाके पता कर लो मेरे यार दोस्तों से पता कर लो भी मैं सरकारी बंदा या मैं धर्म के राह से चलने वाला जी उतों तो मैं बस चढ़िया जी बस चढ़िया मेरा 2000 रुपये सेगा दोनों फोन से उन्होंने क्ड ले सके जी 600 रुपये मैंने आने लगे देता सी जी मंग इंसाफ की मंग मतलब भी जोड़ा ना मैं इन्होंने सब से पहले जुड़िया सी जी जज्बाती तौर पर भी साढ़े नौजवान नशा छड़न गए सिक्खी का प्रचार होगा चलो सिक्खी का प्रचार तो महाराज ने करवाना कि ये मर्जी बहाने करा लेना जी जिनी क सेवा ये लेनी है यदि ले ली मैं तो यही कहूँगा जी भी जोड़े धी पुत ने अपने गुरु साहब की इतिहास सीख के जो अपने सिक्ख्या नहीं सीखी तो अमृतपाल वर्गे चाहे 100 छो 1000 बंद आ जाए किसी सुधार नहीं सकता जी यदि स्टेजा तो गल् होर कह निजी जिंदगी जो इन्हें माँ भैन दाल मैं तेरी भैन की डिटेल कढ़ा ली मैं तेरे भाई की डिटेल कढ़ा ली बार बैठे दी असी तेरा टब्बर मार देना जे सच दे रहा तो चल के सानू मरना ही पैना तो सानू मरना ही कबूल आ पर असी यह जे मूर्ख बंदे नू अपना जरनैल जां कोई होर मैं बिल्कुल भी नहीं मानता है जी जो इन्हें मेरे नाल माँ भैन दी गालां कढ़ियां मैनू छड़िया मेरे केसां की बेअदबी करी कंघे की बेअदबी श्री साहब की जो भी इन्होंने मेरे चपेड़ा करियां ने सारे जथे ने 30-35 जने सीगे जी तो मैनू धोखे नाल इन्होंने बाणे का फायदा चक्या इस बंदे ने मेरे ने छड़िया जंडियाले गुरु किसी अणपछाती जगह से ले गए रात में जी तो उत्थे जिहड़ा कुछ अमृतपाल सिंह ने किया तो महाराज ही जानता जी अमृतपाल वीरे नूं मैं जिदा एक आम आपां सत्कार बनता मैं उन्होंने फतेह बुलाई है ना जी तो चलो आप माफ़ी मंग सकते जी उन्होंने किसी गल का बुरा लगे भी चलो आप माफ़ी मंग लूँगे वीरे भी जे मेरे तो कोई गल शब्द बत घट कह हो गया तो मैं वो माफ़ी मंगदा पर मैं झूठ कुछ नहीं लिखा मैं लिखा सही हुआ जी उन्होंने ना मेरी कोई फतेह का जवाब दिता जी तो पैंती सट्टे मेरे चपेड़ा तो माँ भैन दियां गालां इन्नियां क गंदियां कढ़ियां मेरे 15-20 चपेड़ा मूँह सारा ही लाल करता परना मेरा खुलेगा जी केस खिंड गई जी है ना जी इदा बहुत गंदियां माँ भैन दियां शब्दावलियां तो टब्बर नूं मारन दियां धमकियां भी तेरा टब्बर मार देना सी तू साडे खिलाफ आए बोलदा है यानी उत्थे कह लो भी 35-40 बंदियां च मेरा बस नहीं चलिया जी भी 3-4 घंटे जी मार कटाई उत्थे मैं सही है जी डंडे सीगे जी तो 315 सीगी 12-4 सीगी सिक्सर सीगा जी वह तो बार बार दिखाई हो गई मैं उन्होंने जो कहते भी मैं अगे तो गलती नहीं करूँगा कहने तेन अगे तो गलती करने वास्ते छड़ना ही है नहीं भी अज तेरा अंतरा ही दिन बस भी तू अपना अज का दिन मिलना भी तेरा क्या हूँ दो तीन बार अमृतपाल ने कहता मार दो इन्हू ये तो गंद तो करा की आपने भी मार दो इनू मार दो जी सारे सियाने अमृतपाल खुद कहता सी जी भी मेरे सामने के भी इन मार दो तो गंद तो करा की है भी साढ़े भी कलू फिर तंग करूगा अपन भी अमृतपाल ने मेरे चपेड़ा मारिया मूँह तो ही साम तो माँ भैन दियाँ गाला कटिया मैं सब तो पहले शुरुआत उन्होंने की है जी बाद चो भी 2-2.5 घंटे जिन्हें किसी कुत्ते भी रोड़ा नहीं जी मारिया जी डाला नहीं मारिया उन्हें मैंने डांगा नाल कुटे जी उत्थे फड़ के जी हाँ जी कोई मैम नहीं पाया मैंने कोई दस के नहीं आए बस एक अपने बाणे का उन्होंने फायदा चक्या जी अमृतधारी आने का जी गुरु घर असं यात्रा से आए थे सिंघा नाल जी हाँ जी खिलाफ नहीं बोले मैं सच बोलिया तो उन्होंने ये लगे भी मेरा विरोध किया सच तो खिलाफ बच्चे बहुत फर्क है जी अपने सच कहता मेरे को प्रूफ पाए फोन मेरे उन्होंने को जी हूँ मेरी उन्होंने 3 घंटे कुट के वीडियो बनाती भी तू वीडियो ये कह दे भी तेरे विरोधी तेरा साथ दिने जी मैं बार बार कही गया मैं कहा भाई मेरी फेसबुक चक कर लो मैसेंजर चक कर लो भी मेरा विरोधी कोई साथ दे ही नहीं रहा मैं ना साथ किसी का लवा जी क्योंकि साथ की लोड़ उन्होंने होंगी जिहड़ा बंदा झूठा होवे जी भी जिहड़ियां घटनावां मेरे नाल वापरियां मैं वो चीज़ का आपे गवाह जी मेरे को प्रूफ पए आ वह भाई साहब उन्होंने जब पता लग गया मेरे नाल दे सिंघां नूं भी 1.5-2 घंटे हो गए भी सिंह का फोन स्विच ऑफ आ रहा जी फिर इन्होंने भाई अमरीक सिंह जनाला जी ने बेनती की भी अच्छा सिंह उरे जी अपने सेवा करने वास्ते लेके आए हुए थे जी भी अगे भी सिंह आता जी अभी सारिया संप्रदावान जाने जी तो फिर उन्होंने फिर इन्होंने अपने तौर पर पहलकदमी की जी भी हाँ भी साढ़े सिंह आया सेवा करने वास्ते महापुरशों की बरसी श्रद्धालु है जी अपने भी असी जो अपने श्रद्धालु की नहीं हिफाजत करी तो कहदी करी जी तो झूठ मैं कोई बोलिया नहीं जी मैं अज भी कहना जी इन्होंने मैंने 35 जन ने कुट लिया मेरी वीडियो बना ली भी माफ़ी मंग लो बहुत बुरे तरीके मैं जिदा झूठ बोलने लिए मजबूर करते थे जी भी तू तेन असी छड़ दूंगे जी ना तेन मारू तेन मारूंगे नहीं असी भी तू साडे विरोधियों के नाम ले दे एक पता नहीं बाबा बख्शीश जी का मैंने कोई मैसेज आया होता वह तो मैं देखा भी नहीं था मैंने किदा मैसेज आया तो भाई तलवाड़े का नाम ले रहे थे बार बार
तो मनदीप सिंह का नाम ले रहे थे दीप सिद्धू के भरा का भी तू विरोधियों की चाल में आया हो भी एक बार उन्हों का नाम ले सू सबूत दे भी तेनों वो करते हैं। मैं बार बार उन्होंने यही बेनती करता था भी महाराज ने जान देनी है जी भी मेरा किसी विरोधी नाल कोई संबंध नहीं जो मेरे मन च गल मेरे नाल वापरी हैं मैं सिर्फ वो सांझे की भी मेरा किसी नाल इदां दा कोई संबंध नहीं जी है जी मैं किसी का झूठा नाम लवा जी मैं मजबूर करते थे भी तेरी जान बख्श दूंगी। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸਚੋ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਫਿਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਕਿਤੇ फिर अगे जाके तो इन्होंने जंडियाले इलाके दसदा पाया कि उत्थे जाके इन्होंने कुटमार की है तो काफ़ी कुटमार करके गुझियां सट्टां बड़ियां लगियां ने इहदे ते उह फिर रात नूं इहनूं फिर करीब दस बजे के करीब दो तीन घंटे चंगा इहनूं मारकुट की फिर मुड़ के बाद विच इहनूं छड्ड दित्ता तो यह फिर रात इन्हां दे सिंघ इहनूं लै के आए ने उत्थों इहदी दसी जगह तो मॉर्निंग फिर इहनूं जिस वेले दाखिल करवाया असीं पहुंचे इत्थे तो बयान लिखिया सी इन्हों का तो असी केस रजिस्टर्ड कर दिता तो अगर फरदर इन्वेस्टिगेशन करते जिहड़े जिहड़े भी पछाते अन पछाते बंदे बारे दसना कईयां दा नाम नूं क्लीयर है सामने आने ते पहचान सकदा ते वो दर्ज कर लिया सी 365 का भी केस रजिस्टर्ड होया जी ते बाकी जिहड़ी मार कुटाई अलग धारा लगियां ने खोह दी अलग लगियां ने जी ते सर भाई अमृतपाल सिंह दा नाल लै रहे ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਜੇ 20-25 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ 20 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਰੀਬ 30-32 ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸਰ ਸਾਰੇ ਅਨਪਛਾਤੇ ਕਿ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ